नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी को न्यू क्रिकेट की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर देना। गाइस, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर अब तक IPL इतिहास के टोटल 28 मैचें खेली गई हैं, जिसमें पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने 14 बार जीत अपने नाम दर्ज की है, तो वहीं सेकेंड इनिंग में भी बैटिंग करने वाली टीम ने 14 मैचें जीती हैं। तो यहाँ पर बात करें हाईएस्ट टोटल स्कोर की, तो यहां पर हाईएस्ट टोटल स्कोर किया है जीटी ने, वो भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2023 में क्वालिफायर 2 में, जो कि था 233 रन, वो भी 3 विकेट गवाकर। और बात करें इस पिच के लोवेस्ट टोटल की, यानी सबसे कम रन की, तो राजस्थान रॉयल 2014 में ऑल आउट हो गई थी सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज भी गुजरात टाइटंस का मुकाबला होने वाला है हैदराबाद के खिलाफ, तो हो सकता है कि यहां पर ज्यादा विकेट गिर जाए। लेकिन देखा जाए तो IPL 2024 में यहां पर एक मुकाबला हो चुका है, जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुआ था गुजरात टाइटंस का, जहां पर 169 रन का भी चेस नहीं कर पाई थी मुंबई इंडियंस, ज्यादा विकेट नहीं गिरे थे। तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि यह जो पिच है या बैट्समैन को ज्यादा मदद देने वाली है, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद के बैट्समैन काफी ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं और मुंबई की टीम बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रही है इस साल।